गाइस स्वागत है मेरे चैनल नमन बीच गेमर पे का आप सभी लोग। तो फिर गाइस आज मैं दोबारा से जा रहा हूं, मैं खेलने नहीं जा रहा, तो आज मैं पहली बार खेल जा रहा हूं क्यू एन ए, जिसके बहुत कमेंट्स आ जा रही थी यार क्यू एन ए करो। एक बेचारा पागल हो गया भैया, कटी कहा जा रहा है क्यू एन ए करते रहो। उसने इतनी सारी वीडियो में क्यू एन ए भर दिया ना, मुझे करना ही पड़ गया क्यू एन ए। कोई बात नहीं गाइस, ये हमारा पहला क्यू एन ए होने वाला था। सबसे पहले तो अब हम क्यों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मनी पंचल गेमर का, तो पहला क्वेश्चन है कि आप फेस शिविल कब करोगे। तो देखो तो फिलहाल मेरा फेस शिविल करने का कुछ ज़्यादा मूड नहीं है, और तो मैंने सोच रखा था कि मैं सिल्वर प्ले बटन के साथ अपना फेस शिविल करूँगा। सोचा था कि मैं सिल्वर प्ले बटन के साथ अपना फेस शिविल करूँगा, और वैसे पर अब मेरा मूड थोड़ा और बदल चुका क्या कि पता चले कि मैं सिल्वर प्ले बटन आ गया। और मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि फेस शिविल कब करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं गोल्डन प्ले बटन आने पे करूँगा। पहले मैं तुमको दिखाऊंगा अपना सिल्वर प्ले बटन, फिर गोल्डन प्ले बटन, फिर अपना एक डायमंड प्ले बटन नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना डायमंड जैसा एक थोपड़ा दिखाऊंगा, है ना। मैं नहीं दिखता डायमंड जैसा, मेरी फैमिली वालों से पूछ लेना। तो उनका सेकंड क्वेश्चन है कि आप होम टूर कब दोगे। तो अभी तो फिलहाल मैं होम टूर का मैं सोचा था कि मैं दे दूँ, पर अभी तो फिलहाल हमारा घर रेनोवेट होने वाला था, तो होने वाला था, तो इसलिए मैं अपने इस घर का बनाऊँगा, फिर रेनोवेट घर का बनाऊँगा। तो तुम कहोगे दो दो बार बनाओ, सोचा मैं तुमको अपना डायरेक्ट अपना नया घर दिखा दूँगा, बिल्कुल रेनोवेट, बिल्कुल न्यू चमचमाता हुआ। तो अभी मेरे ख्याल से उसको तो काफ़ी टाइम रहेगा मेरे रेनोवेट वाले घर को। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आप मुझे शाउट आउट कब दोगे। तो भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इसी वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो गाइस मनी पंचल गेमर को तुम सब्सक्राइब कर दो, और इसकी किसी वीडियो की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जाओ भैया देख लो। और दो लो भाई तुम्हारा शाउट आउट भी हो चुका। मैंने वैसे पहले दिया था इसको शाउट आउट, पर अब मांग रहे दोबारा देते हैं, नहीं देखा होगा उसने शायद शाउट आउट। तो अगला सवाल क्या कुछ भी कैसे सवाल पूछ रहा भाई, थोड़ा सोच समझ के तो सवाल पूछ। मतलब उम्र देखिए भाई, 11 साल का ढींगड़ा हूँ मैं, हैं मतलब भाई मैं 11 साल का, और तू क्या सोच रहा है मैं अभी से GF होगी, क्या बात कर रहा है हैं भाई। यहाँ पे अभी देखो GF नहीं मिली मेरे पास, क्या खास होगी। तो वैसे उन बातों को छोड़ो भाई, तुमको GF की जरूरत क्या है। ये जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली हो, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हो, और सबसे खास बात यूट्यूब पे तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हो कि मतलब तुम्हारे साथ कमेंट में बात करते ये करते वो करते, तो तुमको क्या जरूरत है GF की, है ना भाई। बस अपनी फैमिली दोस्तों और यूट्यूब के साथ खुश रहो। तो मनी पंचल गेमर के तो यहाँ पे सवाल खत्म हुए, और मैंने इसको फर्स्ट मैंने इसलिए रखा क्योंकि यही पहला बना जिसने मैंने Q&A के सवाल दिए, और अभी अगले भी चलते हैं। अब अगला बनना ये सेकंड बना जिसे हमने कमेंट की थी, और ये है आदित्य गेमर्स। तो मैं देखते हैं कि आदित्य गेमर्स क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। और बिकॉज मैं बस आदित्य गेमर की कमेंट देखकर आ ही रहा था कि मुझे एक और बंदे की कमेंट दिख गई, और अभी तो हम उसकी कमेंट के बारे में बात कर रही है क्योंकि उसने काफ़ी लेट कमेंट किया, पर कोई बात नहीं, उसने कमेंट तो कर दी कि आप उसकी कमेंट वीडियो में आ सकते हैं। अभी तो फिलहाल आदित्य गेमर्स की कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आदित्य गेमर की पहली कमेंट है वो एंज, तो उन्होंने सिर्फ एंज लिख दिया, पर मैं मतलब तो समझ चुका हूँ। तो एंज लिखने का मतलब है ये मेरी एंज पूछना चाह रहे हैं, वैसे ये सबको पता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, पर नो प्रॉब्लम है, बस मतलब बता दिया। तो वैसे तो मेरी एंज है 11 साल जो मैंने अभी बताई थी मैंने, वो जब ये क्वेश्चन आता है अजीब सा। और बाकी तो मैं इस महीने में 12 साल का रहूँगा, और मैं उसका भी एक ब्लॉग रहूँगा इसी महीने होगा मैं 30 तारीख को, तो उसका ब्लॉग तुम गाइस जरूर देखना उसका ब्लॉग, मैं उसका भी एक ब्लॉग बनाऊँगा शायद, कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बनाने की। तो अब तो फिलहाल हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आदित्य गेमर्स की 3 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, अरे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, मैं नहीं है मेरी कोई GF नहीं है कोई क्रश भाई, सुन लो अगली बार अगर मैं कोई Q&A करूँगा ना, मैं पहले साइड में एक पेपर चिपका दूंगा, जैसे अभी नहीं कर रखा था अपनी Q&A की वीडियो में है, तो मुझे एक चिपकाना पड़ेगा कि आई हैव नो गर्लफ्रेंड ना ही कुछ, ठीक है, मेरी फैमिली दोस्त यूट्यूब भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया, देखो मैं मैच कर रहा हूँ क्या, अब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आदित्य गेमर्स का लास्ट क्वेश्चन है, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे याद है कुछ दिनों पहले पापा बता रहे थे कि इस टूथपेस्ट में नमक है,
सच है क्या? मुझे पूछ के आना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से काफ़ी चांस है कि होगी, क्योंकि लोग काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे कोलगेट का, आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो मेरे हिसाब से डाल ही दिया होगा, कुछ नहीं पता। ओके, इनके क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो चुके, बस तीन क्वेश्चन थे, उनमें से भी एक का आंसर पहले दे दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वाओ, जो मेरा दोस्त है क्लैश बीज गेमिंग, तो तुम इसको भी सब्सक्राइब कर देना। अब तो फिलहाल इसके कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसने लिखा, आप कौन से एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं? तो भाई देखो, अब देखो यूट्यूब के कुछ रूल है कि जैसे हम अपनी इनकम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हम कितने कमा रहे हैं। वैसे मैं तो नहीं कमा रहा कुछ भी, पर देखो मैं डायरेक्ट अपनी एडिटिंग है और डायरेक्ट अपनी इनकम नहीं बता सकता। मैं इसकी थोड़ी हिंट दे सकता हूँ कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स ने हिंट दी है, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना उनकी ऑडियंस, तो कुछ ने हिंट दी है, तो मैं भी हिंट दे रहा हूँ अपने एडिटिंग ऐप की। तो एडिटिंग ऐप की हिंट मैं दे रहा हूँ। तो गाइस, मेरे काफ़ी पुराने वीडियोस है और वैसे देखा जाए तो काफ़ी पुराने वीडियोस में मैंने एडिटिंग नहीं की, क्योंकि इस टाइम में मुझे नहीं आती थी। पर बीस क्विज मेरी एक वो वीडियो जिसमें मैंने एडिटिंग सीखी थी, आई मीन मेरी पहली वीडियो एडिट वाली, तो उसके बाद से मेरी एडिट वीडियो शुरू हुई। और उनमें से किसी भी एक वीडियो के नीचे उस ऐप का नाम लिखा हो सकता है, और अब मैं नहीं लिखता, वो अपने आप से लिखा हुआ आता है। तो अब तुम जाके मेरी वीडियो सर्च करो, ठीक है? और मेरी वीडियो सर्च करके तुमको मेरी एडिटिंग ऐप पर चल जाएगी, जिससे मैं इतनी ओपी एडिटिंग करता हूँ। अब जो फिलहाल एडिटिंग ऐप की बात हो गई, इनका तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, अभी हम आगे चलते हैं। वाओ, सुपर बॉय गेमर माय बेस्ट फ्रेंड, कोई बात नहीं, इनके जरा सवाल हल कर लेते हैं। तो गाइस, मैं सुपर बॉय गेमर का भी क्वेश्चन देख कर आ चुका, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत बेकार है, उसके क्वेश्चन तक भूलिए अपने बेस्ट फ्रेंड के। तो फिलहाल के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट करेक्टर इन माइनक्राफ्ट? तो भाई सबसे पहले मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, माइनक्राफ्ट में से दो करेक्टर्स हैं, टीव और एलेक्स, उनकी भी कोई एबिलिटीज नहीं है। तो फ्री फायर की वो पूछते तो मैं थोड़ा सोच समझ के बता भी देता कि आलोक है वगैरह वगैरह, इनकी तो कोई एबिलिटीज भी नहीं है, सब इन दोनों की सेम एबिलिटीज है, ठीक है? तो जो फिलहाल इनमें से कोई फेवरेट नहीं है, मुझे मेरी यही प्यारी सी स्किन पसंद है जो तुमने भी देखी होगी अभी शुरुआत में, तो उस प्यारी सी स्किन के लिए भी लाइक कर दो। तो फिलहाल मेरी स्किन को इग्नोर करते हुए हम इसके अगले क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर हॉबी? मेरी हॉबी तो यूट्यूब वीडियोज बनाना ही है, और मेरी हॉबी है कि मैं कभी कभी मैं डायरी लिख देता हूँ, मेरी प्राइवेट डायरी, ये कहा कूद गया, मेरी प्राइवेट डायरी भी है जिसमें मैं अपने दिनों के बारे में लिखता हूँ कि मैं दिनों में क्या क्या हुआ, मैंने अपने दिन में क्या क्या किया वो चीज़ें। और बाकी मेरी कोई हॉबी नहीं है, बस यही तो हॉबी है, बाकी अब कुछ नहीं, बस बैठा रहा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? अब ये थोड़ा आपको हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसने बताया नहीं कि ये जंक फूड की बात कर रहा है, वेजिटेबल्स की बात कर रहा है, या किसकी बात कर रहा है। तो बता दें, मैं सब भी बता देता हूँ, क्या पता किसकी बात कर रहा हो। तो अभी तो फिलहाल तो वेजिटेबल्स में तो मेरी काफ़ी सारी वेजिटेबल फेवरेट है, और काफ़ी मैं खाता भी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं उल्टी आ जाती खा के। तो फेवरेट वेजिटेबल तो काफ़ी है, अब मैं जंक फूड ही बता देता हूँ, वेजिटेबल आजकल में कौन पूछता है। तो मेरा फेवरेट जंक फूड है पिज्जा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज? ओके भाई, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू मेरा इतना पक्का यार, तू मेरा इतना बढ़िया दोस्त है, तो ये नहीं पता मैं कितने साल का हूँ, बट बस सही है भाई, इसको मेरी उम्र ही नहीं पता, बहुत बढ़िया। और मैंने कितने गेम्स में, और तुम सब सुन लो, मैंने कितने गेम्स में अपनी उम्र डाल रखी है, कितने गेम्स में, हाँ मैं कितने गेम्स में वो डिफिकल्टी के लिए वो मांगता है वो एज, वो तुमने तब नहीं देखी है, कोई बात नहीं। वाओ, ये माइंड एंटरटेनमेंट चैनल के है, और देखते ये क्या पूछ रहे हैं। ओके, ये पूछ रहे हैं कि मैं, मतलब ये पूछ रहे कि कौन है मेरी मोटिवेशन जिसको देख के मैंने चैनल शुरू किया। तो देखो, सबसे पहले बार हमारे पास फ़ोन नहीं था, और जब मेरे पास फ़ोन आया तो उस टाइम में मैं कुछ गेमिंग वीडियो देखता नहीं था, मैं मूवीज़ देखता था, कंचना वगैरह, और पर उन चीज़ों को छोड़ो, मैं मूवीज़ देखता था मैं, और बाद में मैंने धीरे धीरे मैंने गेमिंग वीडियो देखना शुरू किया। मेरी पहली गेमिंग वीडियो ये माइनक्राफ्ट ही थी, मतलब माइनक्राफ्ट के बारे में जीरो पता था, मैंने इसका नाम तक नहीं पता था माइनक्राफ्ट का। और अभी तो फिलहाल मैं माइनक्राफ्ट में इतना प्रो कि देखो मैं कहाँ उड़ रहा हूँ मैं, और अभी तो, और देखा जाए तो मेरी मोटिवेशन 20 बार सुबह मैं इनके जैसे बन, आई मीन इनके 5 मिलियन है और बाकी के काफ़ी मिलियन है, पर फिर भी मैं इनकी तरह बनाता था, इनके जैसा एक अच्छा यूट्यूबर, सब सो हो या ना हो अच्छे यूट्यूबर है, इनकी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है, जितना टेक्नो गेमर की वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, उन बातों को छोड़ो। और अभी तो फिलहाल 20 बार है मेरी मोटिवेशन। और इनका अगला सवाल देखते हैं,
तो अगला सवाल है, मतलब इनका अगला सवाल कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है। ऑफ कोर्स जिससे मुझे मोटिवेशन मिली है वही तो होगा मेरा फेवरेट यूट्यूबर, तो वो है बीस बार सब। मैं तो और ऊपर मेरे और भी फेवरेट यूट्यूबर बीस बार सब है मेरे, और कौन है मिथ पैट है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, इतना साथ है मिथ पैट। और बाकी कौन है ड्रीम है मेरा फेवरेट यूट्यूबर, टेक्नो गेमर्स और ट्रिगर इंसान, काफ़ी सारे यार इसमें तुम क्या ही पूछोगे, इतने सारे मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं भाई। तो अभी तो फिलहाल सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए और किसी का तो क्वेश्चन नहीं है। और हाँ गई सॉरी अगर तुमने क्वेश्चन लेट डाला है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया तो सॉरी गाइस तुम्हारा क्वेश्चन लेट हो गया। और अगर ये सारी कमेंट्स आई क्यू एन ए की और क्यू एन ए के क्वेश्चन भी आए तो जल्दी ही मैं एक और पार्ट बना लूँगा क्यू एन ए का, तो तुम उसका भी इंतजार कर लेना। तो फिर अब तो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो करना लाइक ऐसे और।